रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले के दौरान बीच मैदान पर हर्षल पटेल वर्सेस रियान पराग देखने को मिला, जहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो हरकत हर्षल पटेल ने की, उसको लेकर फैंस काफ़ी गुस्से में हैं। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 144 रन बनाए, लेकिन जो 20वां ओवर था पहली पारी का, उसको हर्षल पटेल कराने आए थे, जिसमें 2 छक्के 1 चौका और 2 रन दौड़े थे रियान पराग। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी कंप्लीट किया और टीम को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया जहां से टीम डिफेंड कर सकती थी, और किया भी। 29 रन से टीम जीत गई। लेकिन जहां पर मुकाबले के फर्स्ट इनिंग के ओवर खत्म हुआ था, तब रियान और हर्षल पटेल आपस में कुछ बहस करते नजर आए थे। फिर राजस्थान के खिलाड़ियों ने उनको आपस में छुड़ाया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाड़ी भी वहीं पर खड़े थे। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब राजस्थान की टीम 29 रन से मुकाबला जीत गई, हर्षल पटेल के रूप में आखिरी विकेट गिरा और पवेलियन जाने का समय आया, सभी खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे, तब हर्षल पटेल ने रियान पराग से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। पराग ये देखकर हैरान थे जब उन्होंने देखा कि पटेल उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ गए। पराग ने हाथ मिलाने के लिए आगे ही बढ़ाया, लेकिन पटेल ने उन्हें अनदेखा कर दिया और इसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। मैच की बात करें तो रियान पराग के लिए यह यादगार रहा। टीम में पराग की जगह को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने जो हाफ सेंचुरी जड़ी, उसको लेकर इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये पैसा वसूल खिलाड़ी है। लेकिन हर्षल पटेल की इस हरकत पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हमने देखी हैं जहाँ पर गौतम गंभीर वर्सेज विराट कोहली और साथ ही साथ कई और लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सबने हाथ मिलाया है। ये शायद ऐसा पहली दूसरी बार देखने को मिला है कि बीच मैदान पर ऐसी घटना घटी है। इस बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर एक अलग ही बवाल मचा हुआ है कि गलती किसकी है। तो आप ही अपनी राय जोड़ दीजिएगा, गलती किसकी है, क्योंकि हर्षल पटेल का कहीं ना कहीं मानना यह है कि रियान पराग शुरुआत करते नजर आए, लेकिन अगर शुरुआत रियान ने करी तो खत्म हर्षल ने भी नहीं किया हाथ ना मिलाकर। अब गलती किसकी है दोस्तों, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।